जिस तरीके से टिकटॉक के बैन होने के बाद मार्केट में काफी सारी टट्टी एप्लीकेशन आ चुकी थी, उसी तरीके से सिग्नल ऐप अभी बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप के 2 कौड़ी के प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट लाने के बाद लोग इसको अपने फोन से लथमार के बाहर निकाल रहे हैं। और भाई साहब, व्हाट्सएप की 2 कौड़ी के प्राइवेसी पॉलिसी लाने के बाद और इसके इस तरीके से लुच्चापने दिखाने के बाद हमने व्हाट्सएप की बहुत अच्छे तरीके से बजाई है, उसकी ऐसी तैसी करके, उसकी माई मौसी करते हुए हमने व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसी को बहुत अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन किया है कि कैसे यह आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। अगर वीडियो नहीं देखी है ना तो देख लो, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्या सिग्नल ऐप को हमें यूज करना चाहिए, लेकिन ये बताने से पहले आपको बता दूं कि आप हो हमारे लिए खास, इसलिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हमें बना लीजिए अपना खास। ये तो कुछ ना जमा, खैर सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि हम किसी भी चीज को हंसते हंसाते समझाते हैं ताकि आप मजे मजे में समझ जाओ। भैया, सिग्नल ऐप एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है जो एक फाउंडेशन के जरिए चलता है। 25 मई 2010 को इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के अंदर में घुसेड़ दिया गया था, मतलब रिलीज कर दिया गया था। भाई साहब, बहुत पुराना खिलाड़ी है ये, 2010, समझ रहे हो ना, बस खेलने का चांस नहीं मिला था, अब खेल गया हम। लास्ट अपडेट इस एप्लीकेशन का प्ले स्टोर के अंदर में 17 दिसंबर 2020 को आया था और ये कंपनी कैलिफोर्निया की कंपनी है और इनके सीईओ का नाम है मॉक्सी। क्या नाम है? मॉक्सी मार्लिन स्पाइक। कैसे कैसे नाम रखते हैं यार। व्हाट्सएप ने अगर खुद का मुंह पिया है तो अपने लक्षण और 2 कौड़ी के प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से पिया है। हाँ, अब हम ऐसे ही बोलेंगे, कह के लेंगे व्हाट्सएप की मजे, गलत मत समझा करो यार, बड़े अश्लील आदमी हो। अभी आपके सामने प्राइवेसी पॉलिसी डिस्प्ले होगा, आप खुद से पढ़ सकते हो और मैं पढ़ के भी सुना दूंगा, साबित कर दूंगा कि हिंदी पढ़ना मुझे भी आता है। सिग्नल ऐप का दावा है कि आपकी चैटिंग का एक भी हिस्सा अपने सर्वर पर स्टोर नहीं करती है, आपकी चैटिंग हिस्ट्री आपके फोन में ही रहती है और यदि आपका फोन खो जाता है या खराब हो जाता है तो आपकी चैटिंग हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी। सिग्नल ऐप में बैकअप की कोई सुविधा नहीं है। कंपनी के दावे के मुताबिक कॉलिंग और मैसेजिंग पूरी तरह से एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। सीधे शब्दों में कहे तो जैसे आप व्हाट्सएप को दूसरे फोन में इंस्टॉल करने पर बैकअप ले लेते हैं, वैसा बैकअप आपको सिग्नल में नहीं मिलने वाला है। बता दें कि गूगल प्ले स्टोर से अभी तक सिग्नल ऐप को 1 करोड़ से अधिक लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। सिग्नल ऐप कौन कौन सा एक्सेस लेता है, मतलब आपकी फोन की किन किन चीजों को एक्सेस करता है। गूगल प्ले स्टोर पर दी गई जानकारी के मुताबिक सिग्नल आपके मैसेज का एक्सेस लेता है, जिसमें मैसेज पढ़ने से लेकर मैसेज भेजने और उसे एडिट करना भी शामिल है। इसके अलावा कॉलिंग, कैलेंडर, फोन के मॉडल, लोकेशन, फोटो, मीडिया फाइल, कैमरा, माइक्रोफोन, स्टोरेज, वाईफाई और इंटरनेट कनेक्शन भी कनेक्शन का भी एक्सेस सिग्नल ऐप लेता है। सिग्नल के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि वह किसी अन्य कंपनी के साथ आपका डेटा शेयर नहीं करता है। इसका जिक्र कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी में कहीं भी नहीं है, मतलब प्राइवेसी पॉलिसी में इसका जिक्र नहीं है कि किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी के साथ में आपका डेटा ये शेयर करेगी। हाँ। तो भैया, व्हाट्सएप की 2 कौड़ी की प्राइवेसी पॉलिसी और उसके छुच्छड़पने के सामने सिग्नल ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी बहुत ही बेस्ट है। आप व्हाट्सएप के साथ में इसको रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन भैया आपको भी पता है कि ये इतना मुमकिन नहीं है। बाकी थंबनेल में मैंने ऐसे ही लिख दिया था कि कभी मत यूज करना सिग्नल ऐप को, ताकि वीडियो में आओ और आप हमारे साथ में जुड़ जाओ। लाइट चली गई नहीं। और अब एक इम्पोर्टेंट चीज आपका क्लियर कर दूं कि काफी सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि भैया, फेसबुक, व्हाट्सएप, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये तो हमारे डेटा के जरिए कमाई करते थे, लेकिन सिग्नल ऐप कैसे कमाई करेगी। तो भाई साहब, इसका सिंपल सा जवाब मैंने आपको शुरू में ही दे दिया था कि ये एक फाउंडेशन के रूप में चलती है। इसका नाम है सिग्नल फाउंडेशन, ये एक बेसिकली एक फाउंडेशन के रूप में चलती है, तो यहाँ पे डोनेशन के जरिए पैसा मिलता है इनको। अगर आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, सिग्नल एप्लीकेशन को, और आप मेनू बार के लास्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको एक डोनेटल क्या बोल रहा हूँ यार हाँ डोनेशन करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फिर से चली गई लाइट, छोड़ो यार नहीं। तो भैया, कुल मिला जुलाकर बात यह है कि सारी प्राइवेसी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए आप बिंदास तरीके से सिग्नल ऐप को यूज कर सकते हो, उसमें गुच्चू पुच्चू बाबूसन ना जादू टोना कर सकते हो, और ये सब तो आप ही के नसीब में है।
हमारे नसीब में कहाँ। तो बिल्कुल सेफ है, बिंदास तरीके से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा गया है उनके हिसाब से। तो ये वीडियो सिग्नल ऐप के ऊपर मैं बस बेसिक नॉलेज के लिए थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या आपको यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर ये कंपनी कहाँ की है, कैसे क्या क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। तो अगर आप लोग चाहते हैं इसके ऊपर मैं आपको ट्यूटोरियल बना के आपके ऊपर थोप दूं, ताकि आप उससे जान पाओगे कैसे एप्लीकेशन को यूज करना है, कैसे कैसे क्या क्या इसमें फंक्शन है, व्हाट्सएप से क्या यहाँ पे एडवांस लेवल की चीजें दी गई है, वो सारी चीजों का अगर आप ट्यूटोरियल चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना, कमेंट सेक्शन पूरा खाली है, जितना चाहो भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिएगा, और इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, मतलब मेरी आईडी में जाके। क्या यार, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।